Hey guys, welcome to my channel Pretty Looks. So, आज मैं आपको एक मेकअप किट के बारे में बताऊंगी जो कि ये बिगिनर मेकअप किट है और इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो हाई गाइज, दिस इज़ आराध्या एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको बताऊँगी कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एक बिगिनर मेकअप किट में होने चाहिए। और सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इससे मुझे अब पता लगता है कि आप लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं और मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं या नहीं। तो इसलिए मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेकअप का सबसे पहला स्टेप है प्राइमर। प्राइमर लगाना क्यों ज़रूरी है, प्राइमर से क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्यों ज़रूरी है प्राइमर लगाना। प्राइमर लगाने के 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि ये हमारे मेकअप को ज़्यादा देर तक टिका के रखता है, ताकि वो हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनता है और हम उसे ज़्यादा देर तक यूज़ कर पाते हैं मेकअप को। और दूसरा फ़ायदा ये है कि मेकअप ज़्यादा ख़राब, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो फेस है वो थोड़ा केकी लगता है, ज़्यादा उभरी हुई स्किन लगती है, क्योंकि आजकल समर्स हैं तो इससे क्या होता है कि कई बार हमारा फेस केकी सा लगता है, तो प्राइमर लगाने से वो हमारा फेस केकी नहीं लगता। तो थर्ड फ़ायदा ये है कि प्राइमर है वो हमारे मेकअप और स्किन के बीच में एक लेयर तैयार करता है। जो लेयर होती है हमारे मेकअप और स्किन के बीच में, उससे क्या होता है कि हमारा फेस को नुकसान नहीं पहुंचता। तो सेकंड स्टेप है हमारा फाउंडेशन। तो फाउंडेशन हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि फाउंडेशन लगाने से हमारे मेकअप का एक बेस तैयार होता है। वैसे फाउंडेशन लगाना ज़रूरी भी है क्योंकि वो हमारे मेकअप को एक बेस लुक देता है, जिससे कई बार ये होता है कि जैसे हमारे फेस पे कहीं दाग धब्बे स्पॉट्स वगैरह होते हैं तो वो उसको छुपाने का काम करता है, और जिससे हमारे फेस में एक बेस तैयार होता है और जिसके ऊपर हम मेकअप कर सकते हैं। अब बात आती है काजल की। जैसे कि हम सभी को पता है गर्ल्स का फेवरेट होता है काजल, और आजकल सभी यूज़ करते हैं। तो कई व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझे ये कमेंट करके बताते हैं कि उनका काजल फैल जाता है, गर्मियों में ज़्यादा देर टिकता नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक बजट फ्रेंडली काजल जो अच्छा भी है और आपके बजट में भी है। तो मैं मियोन का काजल यूज़ करती हूँ, वो एक सेट ब्लैक कलर में आता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 150 bucks का आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। सो मस्कारा हम क्यों यूज़ करते हैं, वाई? बिकॉज मस्कारा लगाने से हमारे लैशेस बड़ी बड़ी दिखती हैं और सुंदर दिखती हैं। तो कई बार आजकल जैसे ट्रेंड है कि आजकल सब फेक लैशेस लगाते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम फेक लैशेस लगा सकें, तो हम मस्कारा का एक स्ट्रोक लगा लें तो वो भी हमारे लैशेस को बहुत वॉल्यूमाइज और बहुत अच्छा बना देती है। मैं लैक्मे का मस्कारा यूज़ करती हूँ और वो मस्कारा बहुत ही अच्छा और आपकी आईज़ को बहुत ही सुंदर बना सकता है। तो जहाँ बात हो आईज़ की, तो हम आईलाइनर को कैसे भूल सकते हैं। आजकल तो विंग लाइनर बहुत ट्रेंड में भी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको विंग आईलाइनर लगाना बताऊँ तो प्लीज़ आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरी विंग आईलाइनर के ऊपर ही है। तो अगर मैं बात करूँ आई शेडो की, तो आई शेडो लेते वक्त आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। आई शेडो लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका पिगमेंटेशन कितना अच्छा है, क्योंकि अगर उसके कलर्स पिगमेंटेड होंगे तो ही वो आपकी आईज़ पर सीन होंगे, दिखेंगे। अगर उसके आई शेडोज अच्छे नहीं हैं तो वो नहीं दिखेंगे अच्छे से। तो रिसेंटली मैंने एक nykaa.com से एक पैलेट परचेज़ किया है, वो आई परचेज दिस पैलेट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। I hope you guys see it properly. So this is beautiful palette, और आज का makeover भी मैंने इसी palette के साथ किया है। तो I know ये palette बहुत expensive है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसे लगाए हुए waste ना हो और आपके colors अच्छे हों, तो मैं आपको यही suggest करूँगी आप revolution या nudes के shades भी ले सकते हैं। बाकी अगर आप budget friendly जाना चाहते हैं तो आप मिस क्लेयर का भी पैलेट यूज़ कर सकते हैं।
मैं बात करूँ लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक तो गर्ल्स की सबसे फेवरेट असेंशियल है मेकअप का। तो लिपस्टिक लगाए बिना तो कोई भी लड़की बाहर जाती नहीं है आजकल। तो लिपस्टिक में अगर आप बजट फ्रेंडली जाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप एली 18 की लिपस्टिक ट्राई कर सकते हैं, वो भी 100 bucks में आ जाती है। लेकिन अगर आप अच्छी रेंज चाहते हैं तो आप लाइक है कि 9 to 5 लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर्स अवेलेबल हैं। अगर आप गर्ल हैं तो आप न्यू शेड्स में भी जा सकती हैं। अगर आप एक लेडी हैं तो आप रेड या पिंक कलर में, डार्क पिंक कलर में जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उस पर भी जा सकती हैं। लेकिन लैक में 9 to 5 की रेंज बहुत अच्छी है आजकल मार्केट में। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट, बिकॉज आई नीड यू सपोर्ट। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात कि आप सबको कुछ, शायद कुछ लोगों को पता नहीं है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या काम करता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपकी मेरी वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपको देता रहेगा। उसमें मैंने क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो आप प्लीज़ ना भूलें डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक। और अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।